सो वेलकम बैक गाइस। तो आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक्टेक वायर में, और आज हम बात करने वाले हैं अमेज़ॉन के बारे में। अमेज़ॉन का जो हमारा इंटरव्यू प्रोसेस है और जो हमें हायरिंग करने आती है अमेज़ॉन, उसका पूरा प्रेपरेशन किट लाया हूँ आप लोगों के लिए। फटाक से सारा वीडियो देख लेना, ठीक है, पूरा क्लियर कर दो। क्या क्या कवर करने वाला हूँ आज आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कवर करूँगा कि एक्चुअली अमेज़ॉन का प्रोसेस क्या है हायरिंग करने का, ठीक है। जो मोस्टली देखा जाता है कि सभी कैंडिडेट्स इस प्रोसेस के द्वारा जाते हैं। उसके बाद कुछ कोडिंग क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अमेज़ॉन में, और अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, कुछ 140-120 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चंस करने की, क्योंकि वो बेहतरीन क्वेश्चंस हैं और वो सभी वैराइटीज़ कवर करती हैं, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर की कोई वैराइटी हो, हीप हो, स्ट्रिंग हो, एरे हो, ठीक है, ट्रीज हो, लिंक लिस्ट हो, कुछ भी हो, स्टैक क्यू, सब कुछ कवर करेंगे, आपको दिक्कत नहीं करनी है। तीसरा, आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे, मैं आपके साथ आज इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात करूंगा कि क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको उस अमेज़ॉन के जब आप बैठते हैं। और चौथा होगा मेरी तरफ से कुछ प्रेपरेशन गाइड, टिप्स और ट्रिक्स, जो मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, मेंटर से बात की है जो अमेज़ॉन में है प्लेस की, उन्होंने एक्चुअली क्या फॉलो किया था और क्या पाथ और गाइडलाइन रहती है, ठीक है। ये तो कुछ बोलता रहेगा, ये आपको सब बता के भी जाएगा, पर उससे पहले मेरी बात सुन लीजिए। वो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है ना, मुझे वो तोड़ फोड़ करके चाहिए, वो तोड़ दीजिए बटन को लाल को, जैसे मर्जी तोड़िए, जैसे चप्पल बूट मार दीजिए, मुक्का मार दीजिए, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी से आएगी टन वाली, उसको दबा देना, ताकि हमारे सभी अपडेट्स, अब हम सभी कंपनीज को कवर करने वाले हैं वन बाय वन, ये हमारी नई प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ये जानकारी मिल जाए, ठीक है। ये भाई साहब ये काम करते रहेंगे, आपको सारी जानकारी देंगे, बट आप भूलिए मत, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चलता हूँ, अब काम इनका स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या था, क्या पता नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली फिर हम पहले पॉइंट से बात करते हैं अमेज़ॉन के हायरिंग प्रोसेस के बारे में, कि वो क्या एक्चुअली प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैं पीसी ले लेता हूँ अपना हाथ में और आपको सारे पॉइंट्स को कवर करके दिखाता हूँ। तो गाइज मेरे हाथ में आ चुका है मेरा पीसी, और बात करते हैं आपके लोगों के साथ कुछ वो प्रोसेसेस की जो अमेज़ॉन के राउंड होते हैं, क्या एचआर इंटरव्यू होता है, क्या टोटल होते हैं उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहले अमेज़ॉन इंटरव्यू क्वेश्चन की मैं बात करूँ, मैंने पूरा बना रखा है, आपको सब कुछ बताऊँगा, विस्तार से देखना इस वीडियो को, ठीक है। पहले में होते हैं 2 से 4 कोडिंग इंटरव्यूज मान लीजिए, और राउंड्स होती हैं जिनमें आपको अमेज़ॉन बैठाता है, ठीक है। आपकी उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा स्ट्रक्चर्स में बेसिकली फोकस किया जाता है, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा एक्सपीरियंस रहे हैं तो आपके शायद 2 राउंड में हो जाए, बट अगर मेनली बेसिकली मैंने देखा कि अगर आप कम एक्सपीरियंस वाले हों तो आपको मोर नंबर ऑफ राउंड फेस करने की पड़ सकती है ज़रूरत, ठीक है। बस यही चीज़ रखी है, द लेस एक्सपीरियंस यू आर, द मोर नंबर ऑफ राउंड यू हैव टू बी फेस, ठीक है। उसके बाद होता है अगला, एक डिज़ाइन इंटरव्यू होती है बेसिकली, जिसमें उप्स बेस्ड डिज़ाइन ऑफ कंपोनेंट्स पे काम किया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी उसमें डिज़ाइन वाले में, ठीक है। और अगर आप में बात की जाए, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए है, SD रोल के लिए, ठीक है, तब आपसे बात करते हैं, एक डिज़ाइन इंटरव्यू होता है। उसके बाद अगली बात की जाए कि पहले कोडिंग राउंड हो गए, फिर अपना डिज़ाइन इंटरव्यू राउंड हो गया SD के लिए, उसके बाद क्या होता है, एक हायरिंग मैनेजर, ठीक है, जो HR राउंड बोलते हैं, वो होगा आपसे, ठीक है। और ये आपकी क्या करता है कि आपसे एटीट्यूड के बारे में, पर्सनैलिटी फिटिंग के बारे में आपसे जानकारी लेते हैं, आपकी डेप्थ नॉलेज कितनी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है आपकी, बोलते हैं ना अमेज़ॉन में मैंने कितने बार ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी भी आई है, उसमें लिखा होता है प्रेफर्ड कॉलेज में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई हैव एबिलिटी टू बी राइट एंड रीड इंग्लिश वेरी प्रोफेशनली, ठीक है। तो वो बात होती है ना, तो वो यहाँ पे चेक हो जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। और आपको कितनी नॉलेज है जो आपने टेक्स्ट मेंशन किया है रिज्यूमे में, क्या आप उस टेक्स्ट से काफ़ी वाकिफ हैं कि बस दिखाने के लिए लिखा है, तो इसमें ये चीज़ कवर हो जाती है। और साथ में ना वो जो चीज़ें होती हैं माइक्रो लेवल पे काम करने वाली होती हैं, कि हाउ यू आर गुड डेवलपर, आपकी बातचीत से पता लग जाता है कि आप डेवलपर अच्छे हैं कि नहीं। अगर आप बातचीत में अगर उनका रिस्पांस दे पाते हैं क्वेश्चन का, तो आप एक बड़े डेवलपर हैं, उनको पता लग जाता है, उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस होता है प्रीवियस, ठीक है। और लास्ट होता है एन ऑप्शनल बैरियर रेजर राउंड बोलते हैं उसे, ठीक है। ये मोस्ट ऑफ अस कि अगर आप एक्सेप्शनली कुछ मन बच गया है उसे कवर करने के लिए होता है, जैसे कि तो इसमें क्या होता है कि सब कुछ एक्सेप्शनल होता है, थोड़ा सा ऑप्शनल, ठीक है, कभी बार होता है, इसमें सब कुछ होता है, आपका जो भी अब तक का पढ़ा होता है, जितने राउंड होते हैं, कोडिंग प्लस HR राउंड, इंटरव्यू, डिज़ाइन इंटरव्यू, उप्स DBMS, कोर डेटाबेस, कोर सब्जेक्ट और CS, सब कुछ कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक जज किया जाता है कि आप कितने बढ़िया हैं टेक्निकली, एक एवरेज पर्सन वो होता है जिसके पास एक टेक्स्ट की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है, और थोड़े बहुत कोर सब्जेक्ट जानता होता है, और क्या आप उससे अलग हैं, क्यों, कैसे अलग हैं, आपको टेक्स्ट टैग का पूरा मालूम है जो आपका टेक्स्ट टैग है, साथ ही में आपको कोर सब्जेक्ट्स भी पूरे अच्छे से कोर आपके टिप्स पे हैं, वही टिप्स पे, ठीक है। तो इसके लिए ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी ये पूरा प्रोसेस मैंने जब आपको बताया अभी, तो ये प्रोसेस मैंने काफ़ी ज़्यादा जितने भी साइट्स उन पर कवर किया, तो उनमें बाद में एक छोटा सा निष्कर्ष रिजल्ट मैंने तय किया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट था कि हमारा भाई
हमें DSA तो बहुत कर लिया है, बट हमें कैपेबिलिटी दिखाई दी है कि DSA करने के बाद क्या हम उस वाले जो DSA क्वेश्चंस होते हैं Amazon वाले उनमें काम कर सकते हैं। तो आपको मैं 3-4 चीज़ें बताता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कवर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गीक्स फॉर गीक्स पे जाना है, उसमें आपको कंपनी वाइज फिल्टर करना है। राइट साइड आपको मिल जाएगा फिल्टर, फैंग में आपको फिल्टर करना है Amazon ओनली, ठीक है, द मोस्ट रिप्यूटेड क्वेश्चंस बाय Amazon। तो उसमें आपको लेवल वाइज क्वेश्चन आएंगे हर टॉपिक में से, कुछ कुछ जो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ 12 क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है। सेकेंड, आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो साइट इंटरव्यूबिट का, उन्होंने काफ़ी अच्छे से मेहनत करके बहुत से बढ़िया क्वेश्चंस का एक लिस्ट तैयार किया रखा है, आप उस पर वेबसाइट पर जाकर सॉल्व भी कर सकते हैं और हाँ आराम से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत होती है, ठीक है। थर्ड वन, आपको क्या करना है, अगर आपका लेवल काफ़ी अच्छा है, अब आपको टेस्टिंग करनी है इस कंपनी के लिए, तो लीड कोड बढ़िया है, लीड कोड का इस्तेमाल कीजिए बहुत पेशेंस से किसी भी दिक्कत के अलावा। आपको क्या करना है, लीड कोड पर जाना है, लीड कोड पर जाके आपको टफेस्ट क्वेश्चन या मीडियम लेवल क्वेश्चन में आपको बाउंस करते रहना है, ऑसिलेटिंग मोशन दिखाते रहना है यहाँ पे बारी बारी, और हाँ अगर बहुत मन करे फिल्टर वहाँ पे भी कर सकते हो, आप वहाँ पे फिल्टर कर लेना, मज़े से प्रैक्टिस करना। और आपको अगर लॉन्ग टर्म में इफेक्ट चाहिए या शॉर्ट टर्म इफेक्ट चाहिए तो उसका भी बताता हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट चाहिए, आपका भी सेकेंड ईयर में हो, काफ़ी दूर पड़ा है आपका, बट आप कवर करना चाहते हो, आपको रोज़ कम से कम घंटा देना पड़ेगा DSA को। स्टार्टिंग में DSA थोड़ा टाइम लेता है आपका, आपका दिमाग थोड़ा चलता कम है, ठीक है, अगर आप अच्छे से कर पा रहे हो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, आप काफ़ी अच्छा कवर कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप स्लो कर पा रहे हो आप कवर नहीं कर पाएंगे, आपको लॉन्ग टर्म में घंटा घंटा देना है, ठीक है। और जैसे आपकी प्रैक्टिस बूम लगे आपको क्वेश्चन देखने के बाद कि ये क्वेश्चन तो यार स्टैक है भाई, इसमें तो स्टैक यूज़ होना है भाई, ये गाड़ी वाड़ी तेल वाला तो इसमें यार क्यों लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको पता लग जाए, ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है मीडियम और टफ के बीच में ऑसिलेटिंग मोशन करता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कब आपको नीचे आना है कब आपको ऊपर जाना है, तो आप मेरी DSA वाली वीडियो देख लेना कि कैसे DSA का एब्सोल्युटली हम पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाली बात करते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपकी कंपनी काफ़ी अच्छे अपीयर कर रही है तो आपको क्या करना है, आपको DSA का टाइम बढ़ा देना है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करने लगना है। अब आपको टाइम कम दें, टाइम जैसे आप घंटा दे रहे थे घंटा दीजिए, अगर आप उसमें पहले लॉन्ग टर्म में 2 क्वेश्चन कर पा रहे थे आधा घंटा, अब आपको कोशिश करनी है कि आप 4 से 5 क्वेश्चन निकाल पाएँ फटाफट, तभी आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी और कोडिंग कैपेबिलिटी इकट्ठी चलती है। और उससे क्या फ़र्क पड़ता है जब आप बड़ी, ठीक है मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसमें क्वेश्चंस में टाइम कम मिलता है, 2 क्वेश्चंस होते हैं, कभी एक बार घंटा देती है कंपनी, 3 के लिए देती है, कभी एक बार 1 के लिए देती है, हाँ उन्हें भी पता है कि डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल क्वेश्चन क्या है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म इफेक्ट चाहते हो आपको क्या करना है कि आपको कैपेबिलिटी यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए जल्दी टाइम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपकी थिंकिंग लॉजिकल एबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी DSA में, जिससे आपको फ़ायदा बहुत मिलने वाला है। और ये फ़ायदा आपको दिखेगा जब आप कभी कंपटीशन कोडिंग कंपटीशन में, अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग चेक करना चाहते हो भाई कोड शेफ पे जाया करो, कोड शेफ में होते हैं बहुत से बढ़िया राउंड, लंच बॉक्स हो हुआ, ठीक है, 10-day लॉन्ग चैलेंज हुआ, ऐसे ऐसे लॉन्ग चैलेंज जो होते हैं ना कोड शेफ में लंच बॉक्स, इनमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। बट फिर बता रहा हूँ दोनों में फ़र्क है, कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में और DSA वाले में थोड़ा सा फ़र्क है, इनमें ये अलग है। कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग एक मज़ेदार फील्ड हो गया अपना, ठीक है, और DSA हुआ कि हाँ लाइफ स्टैंडिंग फील्ड हो गया, इसमें हमें करना ही है तो इतना करने करना, ठीक है, तो ये रहा फ़र्क। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की, भैया जी इंटरव्यू क्वेश्चन, दोबारा PC उठा लो फिर आपसे बताता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में। अली ये आ गया हूँ मैं वापस, ठीक है, तो अब आपके साथ मैंने बातचीत की थी, अब आपको मैं पूरा बताता हूँ, ठीक है। अब राउंड वन, ठीक है, अब आपके साथ कंपनी बातचीत करती है, तो राउंड वन जो मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू में राउंड होते हैं, तो कोडिंग के बाद वो वाले राउंड्स 2-4 होते हैं, जो फिर एक डिज़ाइन इंटरव्यू होता है, फिर HR होता है, और फिर लास्ट ऑप्शनल बैरियर राउंड बोलते हैं, ठीक है। तो पहले राउंड में आपसे क्या क्या क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन की जाती है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, एक कोडिंग क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपको एक कोडिंग क्वेश्चन के साथ डिस्कस द एल्गोरिथम ऑफ दिस, बस ये वाला आपका इतना सा काम है, आपको ये काम करना ही करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वन राउंड टू, ठीक है, 2-4 होते हैं राउंड टू में, फिर से टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कोडिंग वाला राउंड है तो भाई कोडिंग क्वेश्चन आपके पूछा ही जाएगा बारी बारी, और थर्ड फिर साथ में पूछा जाएगा कि आप दोनों कोई 2-4 अप्रोचेस दीजिए मुझे इस वाले क्वेश्चन के लिए, कि आपके पास और अप्रोच है, अगर है तो कंपैरिजन कीजिए और मुझे बताइए बेस्ट एल्गोरिथम कौन सी रहेगी आपके हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला राउंड थ्री, क्योंकि मैंने बोला था राउंड 2 से 4 हो सकते हैं, तो राउंड 3 भी था जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा, राउंड 3 में अगर ज़्यादातर मैंने पढ़े हैं यहाँ पे वेबसाइट्स में उनमें से राउंड 3 में क्या पूछा जाता है, ठीक है, इसमें सीधा आपसे बात की जाएगी, ठीक है, कोडिंग क्वेश्चन की एक
आपसे इसमें एल्गोरिथम लिखवाई जाएगी एक बढ़िया से क्वेश्चन की। और हाँ, मैंने जितनी भी काफ़ी लोगों से पूछा है तो उन्होंने बताया कभी कभार आपको हिंट ड्रॉप मिल जाता है आपके एचआर की तरफ से। तो डॉट पी एज सच कॉन्शियस पर्सन कि आप थकावट फील कर रहे हैं अंदर से, डरे से, आराम से काम, ठीक है, बी पेशेंट। तो थर्ड में भी आपसे यही पूछेगा। फोर्थ राउंड जो होता है मैनेजरल राउंड है इसमें, ठीक है, मुझे उसने बताया कि मेरे तीन वैसे दो से चार के बीच में होते हैं, उसमें बोला तीन होते हैं। तो फोर्थ राउंड में क्या हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, ठीक है, मैंने उसमें आपको बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको लेस एक्सपीरियंस है कोडिंग का तो आपके उतने नंबर राउंड फेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके साथ क्या होगा कि वो आपसे मैनेजरल जो अच्छा राउंड होता है वो उसमें पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन, आपका करंट वर्क क्या है, विच प्रोजेक्ट यू लाइक टू वर्क इन द मोस्ट, ठीक है, एनी केस वी हैव टू कन्फ्लिक्ट विद द मैनेजर, कि आपके कभी कन्फ्लिक्ट हुआ मैनेजर के साथ, ठीक है। पांचवा, एनी आइडिया टेक्नोलॉजी सजेस्टेड बाय योर टीम विच देन गोट इंप्लीमेंटेड एंड वर्कड आउट, ठीक है, आपने कोई अच्छा आइडिया बताया हो या टेक्नोलॉजी सजेस्ट की जो आपकी टीम ने काम किया हो वो अच्छी निकली, ठीक है। एनी केस व्हेन यू वर्क आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, और द मोस्ट क्रिटिकल फीडबैक रिसीव्ड फ्रॉम योर मैनेजर टीम मेंबर्स, वेट डू यू नीड टू हेंस योर टेक्निकल नॉलेज अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट, एनी मैनी मोर, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं लंबे जब तक आप आंसर देते रहते हैं। अगर बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है, अगर ड्राइव इंटरव्यू रहती है कि आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हैं तो शायद जल्दी खत्म कर दी जाती है, बट अगर आप कॉन्फिडेंटली नहीं आंसर दे पा रहे हैं, झूठ बूट बोल रहे हैं, तो वो लंबी खींच देते हैं कभी बार। तो राउंड फाइव टेलीफोनिक कम्युनिकेशन फाइनल राउंड बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन जो होता है इसमें आपका वॉइस, ठीक है ना, बेसिकली इंटरव्यू में आपका वो आईबीट देखा, कंट्रोल देखा गया था कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो चीज़ें, और इसमें वॉइस, ठीक है। तो इसमें पूछते हैं कि इनिशियली आई वाज अबाउट द वर्क आई डन, द प्रोजेक्ट्स आई डन मैनेजर, फिर सेम क्वेश्चंस जिस बंदे ने मुझे बताया कि उनसे पूछा गया कि आपने क्या क्या क्वेश्चंस परफॉर्म किए अभी तक, क्या कुछ काम किया अभी ये, और साथ में पूछा गया कि आपको एक कोडिंग क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और उनके पास एक टूल होता है जिसमें आपको ऑनलाइन वो टूल बुक से होती है, उसमें देते हैं कोड करने के लिए, वो भी देखते थे बगल में आपकी एक्चुअली कोड क्या कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन था वो तो आपको पता ही है, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ आपको मेरी तरफ से टिप्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने काफ़ी लोगों से पूछी कि भैया मुझे बता दीजिए, मैं अपने साथियों का साथ में देना चाहता हूँ, उनके साथियों को बताना चाहता हूँ, ठीक है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया क्या करना है, आपको पता होना चाहिए अच्छे से कोडिंग राउंड्स में क्वेश्चन में टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसने बताया। उसके बाद बताया आपको आपको प्रोजेक्ट जो आपको पसंद है वो रिसेंटली प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है, मोस्ट चैलेंजिंग, आप उनमें कम से कम एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएं और उस पर काफ़ी अच्छे से रिसर्च करें कि टेक्सा की वाला क्यों यूज़ किया मैंने, ठीक है, वो बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो आपके पास अपने अपॉर्चुनिटी क्या आती है क्वेश्चन में, जो पॉइंट ये करनी है, कभी आप कोडिंग क्वेश्चन करें आप एक नाइव अप्रोच से चलें, ठीक है, बेसिक अप्रोच चलें, उसके बाद आप उसके एक बेटर एल्गोरिथम और कम्प्लेक्सिटीज कम करते जाएं, बढ़िया बना दें एल्गोरिथम। बहुत पूछते हैं कि अगर आप इस वाली एल्गोरिथम से क्या इसके बेहतरीन कर सकती हैं, क्या आप एन स्क्वायर से एन लॉग एन पे आ सकते हैं, एन पे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, ये वाली चीज़, ठीक है। और एक और टिप उन्होंने बताई मुझे भैया ने, कि उन्होंने बोला कि ज़्यादा टाइम बस वेस्ट करना DBMS पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, नेटवर्किंग पे, वो ज़्यादातर पे प्रोजेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, प्रोजेक्ट्स में से ये चीज़ें अगर आपने यूज़ कर रखी होती हैं वो आपसे वहीं से कैच कर लेते हैं कि आपको कितना आता है, ठीक है। और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे कोड लिखना है, कैसे टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट करनी है, और आपको बेहतरीन अप्रोचेस का पता हो, एक प्रॉब्लम के लिए कम से कम दो अप्रोच का आपको पता होना चाहिए अगर आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं DS से, ठीक है। और इसी के साथ ये रही मेरी तरफ से प्रो टिप्स कि इंटरव्यू राउंड में, और ये जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाले क्वेश्चन थे ये आप सब जानते हैं, काफ़ी वेबसाइट पढ़े, ढेर सारे आप उन पे जाके सर्च कर सकते हैं बेहतरीन आंसर, बट ध्यान रखना जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि आपको कहाँ से क्या कुछ करना है, ये रहा पूरा प्रेपरेशन किट गाइड, इतना फॉलो कर लीजिए, सफिशियंट है, आप काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तब तक के लिए बाय-बाय, चैनल पे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, दूसरा शेयर करना मत भूलें, बाय-बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।